अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारी विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम अभी लॉगिन हुए हुए हैं, और इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग की बात कर चुके हैं, फ्लो चार्ट की बात कर चुके हैं और सूडो कोड की भी बात कर चुके हैं। आज जो है हम अपना ये विंडोज 10 को जो है वो प्रॉपरली सेटअप करेंगे ताकि हम इसमें अपने कोड वगैरह लिख सकें। सेटअप करने से मुराद ये है कि हम इसमें वो तमाम टूल्स इंस्टॉल करेंगे जो कि हमें मदद देंगे कंप्यूटर से बात करने के लिए। ठीक है, उसमें दो तीन ऐसे हैं चीज़ें जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। नोट पैड प्लस प्लस आप ओपन कर लें या नोट पैड ओपन कर लें, इसको नो करें। दो तीन चीज़ें हमने कहा हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब इसके लिए आपके पास एक टूल होना चाहिए, जैसे अभी हम जिस तरह एक नोट पैड में लिख रहे हैं तो इसमें मल्टीपल टूल्स आ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नोट पैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, एक आई थिंक कोड लाइट के नाम से वो भी यूज़ कर सकते हैं, या हम जो यूज़ करेंगे वो है वीएल स्टूडियो। ठीक है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको इंस्टॉल करना भी बताता हूँ कि वहाँ पे किस तरह से करेंगे। वीएल स्टूडियो कोड होगा, उसके बाद देखें जब आपने प्रोग्राम लिख लेते हैं, जैसे अभी मैंने ये कर लिया, उसके बाद आपको वो चाहिए कंपाइलर के, तो ताकि वो आपके सारे कोड को जो इंस्ट्रक्शन है उनको कंपाइल करके मशीन कोड में चेंज करे और वो ताकि आपको सीपीयू जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, वो हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। फिर एक टर्म हमने यूज़ की थी डीबग के नाम से, कि जिसमें आपने ट्रबल शूट करना होता है, ट्रबल शूट या फाइंड प्रॉब्लम्स इन योर कोड, तो एक हम डिबगर इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद हम जो है वो देखेंगे कि हमारा कोड चलता है नहीं चलता। ठीक है, और हम एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो चला के भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने कुछ टूल्स जो है वो इंस्टॉल करने हैं, तो उन टूल्स की मैं लिंक्स वगैरह भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, बस उनको कॉपी करें और सारा सिस्टम जो है वो जो वीडियो के मुताबिक सेटअप कर दें। सबसे पहला सेट टूल जो है हम डाउनलोड करेंगे msys2.org से, इसको डाउनलोड कर लें। ये जो है अब इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ एंटायर टूल्स एंड लाइब्रेरीज जो कि हमारे एनवायरमेंट को इस हिसाब से सेट कर देगा कि उसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने सी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे रन कर सके। ठीक है, इसको डाउनलोड किया हमने। और इसमें ये नीचे आप अगर आप देखें तो सारी इसकी इंस्टॉलेशन की कि आपने इंस्टॉल करना कैसे है वो सारी भी कमांड्स दी हुई है। ठीक है, डबल क्लिक करें, नेक्स्ट, ये ठीक है, इसको रहने दें, नेक्स्ट नेक्स्ट, और इसको अच्छे से इंस्टॉल हो लेने दें। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम उसका कंपाइलर स्टार्ट करेंगे, कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें यही कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करें, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने किसी और सेटअप में ऑलरेडी कंपाइलर और वो विजुअल स्टूडियो कोड या नोट प्लस प्लस आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आप उनके साथ कंटिन्यू करें, और जो नेक्स्ट लेक्चर से जब हम उनमें कोड लिखने शुरू करेंगे तो जैसे हम कोड यहाँ विजुअल स्टूडियो में लिख रहे होंगे वो आप अपने जो भी आप रेलिवेंट एडिटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर पॉज कर दिया था रिकॉर्डिंग को। अच्छा, हमारा ये msys2 जो है वो इंस्टॉल हो गया, मैंने इसको रन msys2 को सेलेक्ट किया हुआ है और हम इसको फिनिश करते हैं। आपके पास इसने ये शेल ओपन किया,
इसको आप एक दफ़ा अपडेट कर लें ये कमांड यूज़ करके। जहाँ कहीं भी ये आपसे येस और नो पूछे तो आप उसको वाई प्रेस कर दें। वंस ये अपडेट हो जाता है उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसमें अपना कंपाइलर। ठीक हो गया। जहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है, एक्चुअली जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपने लिखनी है, उसके लिए भी एक टूल इंस्टॉल कर लें। वैसे तो नोट पैड प्लस प्लस भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फॉर नाउ हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड पे जाएं, विंडोज 10 के लिए डाउनलोड करें। को भी सिंपल डबल क्लिक करें। एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। बाकी सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा मैं ऐसे ही। लॉन्च करें उसको विजुअल स्टूडियो। एक्सटेंशन में जाएंगे और सबसे पहले आप एक्सटेंशंस कुछ कॉपी करनी है, जो इंस्टॉल करनी है वो आप करेंगे C++। सबसे ऊपर यहाँ पे आके लिखें C++। तो सबसे पहले आपके पास ये आएगी, इसको इंस्टॉल कर ले। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। फिर आपके पास सेकंड एक्सटेंशन पैक आएगा इंस्टॉल के लिए, वो इंस्टॉल कर लें। और लास्ट वन जो है आपका कोड रनर, यहाँ पे आप रनर लिखेंगे तो आपके पास आना चाहिए, और ये रनर भी इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए ये नोट प्लस प्लस भी है जो मुझे ये रिकमेंड कर रहा है, लेकिन फॉर नाउ मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। एक मिनट मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आप सिंपल उसका कोड कॉपी करें और लिख लें अपने पास। ये सी का बिल्कुल हेलो वर्ल्ड का कोड है, जो कि बिल्कुल इनिशियली सिंपल सा है। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। हमने यहाँ पे M6-2 को प्रेस किया और हम जाएंगे M6-2 मीन जी 464 पे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे GCC वर्जन, GCC कमांड नॉट फाउंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं। वाई करें, अब आप जाए फोल्डर ओपन करें और हम जाते हैं सी में।
N664, और आपका चूंकि X64 है तो आप इसको 64 में जाके बिन को ओपन करेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे ये सारी फाइल्स वगैरह उसने इंस्टॉल कर दी हैं। ये जो ऊपर पाथ आ रहा है हम इसको कॉपी करेंगे और हम अपने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको सेट करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल से आप विंडोज़ को बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने कंपाइलर सेट किया है, और जब भी हम कंपाइलर को रन करने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम को ऑलरेडी पता होगा कि वो उसकी ये बाइनरी फाइल्स या बिन्स जो है वो कहाँ पे पड़ेंगी। तो एडवांस्ड में जाएं, यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएं और सिस्टम वेरिएबल्स में आप न्यू कर रहे हैं, सॉरी इसको आप पास को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एडिट करें और यहाँ पे आके न्यू में पेस्ट कर दें, जो कि मेरा वाला ऑलरेडी ऐड हुआ है तो मैं इसको दोबारा नहीं ऐड करूँगा। आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद ओके करें, ओके और ओके। ये आपका कंपाइलर इंस्टॉल हुआ। इसके बाद आप डीबगर इंस्टॉल कर लें। ठीक हो गया। अब आप जब चेक करेंगे जीसीसी, सॉरी कमांड लाइन में एक डैश कम की, तो ये आपको शो कर रहा है। ठीक, इसको भी बंद करेंगे, इसको भी बंद करेंगे और यहाँ से राइट साइड है टॉप पे इसको कोड को रन करेंगे और ये आपको हेलो वर्ल्ड शो करेगा। सेव किया एक दफा दोबारा, क्योंकि ये शायद लास्ट आउटपुट दिखा रहा है। ये आपके पास हेलो वर्ल्ड जैसा कि यहाँ पे हमने इसको कहा है प्रिंट करने का वो शो कर देगा। ठीक है, जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम ये इसको नेक्स्ट में दोबारा भी करेंगे। तो ये फॉर्मेट है जी सी लैंग्वेज का, कि आपने कंप्यूटर से कैसे बात करनी है। ये हैश इंक्लूड stdio.h जो है ये लाइब्रेरी है, मेन उसका फंक्शन है। और फिर प्रिंट एफ की बात हो रही है कि उसको प्रिंट करो किस चीज़ को, हेलो वर्ल्ड को, और रिटर्न कर चले जाओ। ठीक, रिटर्न कर दो तो ये आपका हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन नेक्स्ट में हम इसको थोड़ा मज़ीद डिस्कस करेंगे और बाकी चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती है। तो इस वीडियो में हमने तीन चार चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने अपना सेटअप सेट किया है, मेनली हमने M-Sys2 को इंस्टॉल करके, जो कि एक इन्वायरमेंट है जो कि आपको तमाम लाइब्रेरीज और टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसमें आप सी का कोड लिख सकते हैं, बाकी भी लैंग्वेजेस का कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम सिर्फ सी को यूज़ करेंगे। और उससे आप कंपाइल कर सकते हैं, कंपाइलर हम इंस्टॉल किया, डिबगर इंस्टॉल कर लिया हमने, जो ये आपको एरर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये इसी वजह से हमें नज़र आ रहे हैं कि वो हमें जो भी हमारे प्रोग्राम में गलती होगी वो हमें शो कर देगा। तो अभी हम इसको यहीं पे रैप अप करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम से, नेक्स्ट हमारे सेशन होगा उससे हम बाकायदा प्रोग्रामिंग का आगाज़ कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ।